सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में शुरू करेंगे ई की मात्रा। हमने पिछली बार ए की मात्रा तक पहले सेमेस्टर में किया था। कहाँ से शुरू किया था? दो अक्षरों से शुरू कर तीन अक्षरों पे आए हम, चार। उसके बाद हमने जो आ की मात्रा से लेके ए की मात्रा तक का अभ्यास किया था, और इस सेमेस्टर में हम आई की मात्रा से शुरुआत करेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ 10 ए की आई की मात्रा। प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यस, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? बैलगाड़ी, कैमरा, मैना, और क्या है ये? सैनिक। जैसा कि आपको पता है कि ए की मात्रा कहाँ लगाई जाती है? सब शब्दों के ऊपर की तरफ। और कैसे, कितनी मात्राएं लगती हैं? वो वन, एक मात्रा लगती है। और आई की मात्रा भी शब्दों के ऊपर लगाई जाती है, लेकिन वो कितनी लगती है? टू लगती है। ओके, जैसे देखो, मैं आई ने आ मैना, बे आई ले गाड़ी बैलगाड़ी, के आई मैं रहा कैमरा, से आई ने ई के सैनिक। तो शुरू करते हैं आप। हम अगला पेज, पेज नंबर 66। चित्र को ध्यान से देखिए, बताइए क्या है ये? यस, किस चीज का चित्र है ये? बैल का। कैसे लिखेंगे बैल को? बे आई ले, क्या बन गया? बैल। दो मात्राएं हैं बे के ऊपर, आई की मात्रा इस तरह से लगती है, दो मात्राएं। जैसे ए की मात्रा लगती है, वैसे ही आई की मात्रा दो लगाई जाती है, और ए की मात्रा एक लगती है। यस, अगला चित्र किस चीज का है बेटा? ये थैला, थे आई ले आ थैला। अगला, मैं आई ने आ मैना। अगला चित्र किस चीज का है? कैमरा, के आई मैं रे आ कैमरा, ने आई ये आ, क्या बन गया? नैया। पे आई से आ पैसा। आगे बढ़ते हैं। पे आई रे पैर, से आई रे सैर, ते आई रे तैर, गे आई रे गैर, चे आई ने चैन, पे आई से आ पैसा, पे आई दे ले पैदल, मैं आई दे आ ने मैदान, जे आई से आ जैसा, पे आई से आ वैसा, के ऐसा आया कैसा, बैठके बैठक, नई नई ते आले ताल, नैनी ताल, कैदी कैदी, भैया भैया। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जैसे हमने बताया था आपको पहले भी कि छोटी की मात्रा या छोटी मात्राएं जो भी होती हैं वो शब्दों के आगे की तरफ, और बड़ी जो मात्राएं होती है वो शब्दों के पीछे की तरफ लगाई जाती है। लेकिन जो आई की मात्रा है वो शब्दों के ऊपर की तरफ लगाई जाती है, और कितनी लगाई जाती है? वो दो लगाई जाती है, और ए की मात्रा एक लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से ये मात्रा समझ में आई होगी। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।